Hey everyone, welcome back to my channel. So, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ पूरन पोली की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। ये रेसिपी मैंने खुद ट्राई करी है, मैंने बहुत ही कम इंग्रेडिएंट का यूज़ करके इस रेसिपी को बनाया और बहुत ज़्यादा ही ईजी होने वाली है। अगर आपको पूरन पोली बनानी आती है तो आप ये रेसिपी ज़रूर से ट्राई करना, और अगर आपको मेरी आज की पूरन पोली की रेसिपी पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है उसे क्लिक करके नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर देना ताकि आप मेरी आने वाली रेसिपीज मिस ना करो। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट द रेसिपी। पूरन पोली के लिए हम लोग यहाँ पर डो बना लेंगे, जिसके लिए मैंने यहाँ पर एक कप मैदा लिया है। थोड़ा सा येलो कलर के लिए मैं यहाँ पर हल्दी डाल रही हूँ, और थोड़ा सा टेस्ट के लिए मैं यहाँ पर थोड़ा सा नमक डाल रही हूँ। इन सारी चीज़ों को हम लोग अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। धीरे धीरे करके हम लोग आटा गूंद लेंगे पानी डालते हुए। एकदम सॉफ्ट डो चाहिए हमें यहाँ पर, तो यहाँ पर हमारा डो एकदम रेडी है। इसमें मैं थोड़ा सा ऑयल डाल रही हूँ, और इसको हम इस तरीके से प्रेस करते हुए कवर करके रख देंगे कम से कम 10 मिनट के लिए। तब तक हम लोग फिलिंग बना लेंगे। फिलिंग के लिए मैं यहाँ पर अरहर की दाल ले रही हूँ, आप चने की दाल भी ले सकते हो। इसको मैंने 2 से 3 घंटे के लिए भिगो के रखा था। इसको मैं पतीले में ही अच्छे तरीके से पका लूँगी। आप इसको कुकर में पका सकते हो, लेकिन उसमें ज़्यादा पक जाएगा, इसलिए मैं यहाँ पर पतीले में इसको पका रही हूँ। जब तक हमारी दाल अच्छे तरीके से सॉफ्ट नहीं हो जाती, तब तक हमें इसको अच्छे तरीके से पका लेना है। तो यहाँ पर हमारी दाल एकदम पक के रेडी है। ज़्यादा मैश करते हुए हमें दाल को नहीं पकाना है। पूरन पोली में हम लोग जैगरी का ही यूज़ करते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर आधा कप जैगरी लिया है। इसमें मैं थोड़ा सा पानी डाल रही हूँ ताकि ये अच्छे से मेल्ट हो जाए। जैगरी को हम अच्छे तरीके से यहाँ पर मेल्ट कर लेंगे, उसके बाद हम लोग इसको छान लेंगे। तो यहाँ पर हमारी जैगरी अच्छे तरीके से मेल्ट हो गई है। जैसे ही ठंडी हो जाती है, इसके बाद मैं इसको छान लूँगी। अब मैंने यहाँ पर एक पैन को गरम कर लिया है, इसमें मैं घी डाल रही हूँ। घी जैसे मेल्ट हो जाता है, हम लोग इसमें अपनी दाल डाल देंगे। दाल को हम अच्छे तरीके से यहाँ पर थोड़ी देर के लिए रोस्ट कर लेंगे। तो जो हमने जैगरी को मेल्ट किया था वो हम लोग इसमें डाल देंगे। मैंने अच्छे तरीके से जैगरी को छान लिया था। हम दाल को जैगरी में ही इस तरीके से पका लेंगे थोड़ी देर के लिए, कम से कम 2 मिनट के लिए। उसके बाद मैं यहाँ पर कसा हुआ नारियल डाल रही हूँ। आप यहाँ पर डेसिकेटेड कोकोनट भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पर फ्रेश कोकोनट यूज़ कर रही हूँ। इसको हम लोग थोड़ी देर के लिए पका लेंगे। उसके बाद मैं यहाँ पर इलायची पाउडर डाल रही हूँ। जैसे इसका पानी थोड़ा सूख जाता है, हम लोग गैस को बंद कर देंगे और इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। उसके बाद हम इसको अच्छे तरीके से ग्राइंड कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारा डो भी रेडी और फिलिंग भी रेडी है एकदम। थोड़ा सा हम लोग डो ले लेंगे। आपका डो एकदम सॉफ्ट होना चाहिए, तभी आपकी पूरन पोली अच्छी बनेगी। तो यहाँ पर मैंने डो ले लिया है। अब मैं यहाँ पर फिलिंग भी ले रही हूँ। पहले हम लोग हाथ से ही अपने डो को इस तरीके से स्प्रेड कर लेंगे। उसके बाद जो हमारी फिलिंग थी, हम इसको बीच में रख के डो को अच्छे तरीके से कवर कर लेंगे। आपको अच्छे तरीके से अपने डो को इस तरीके से रैप कर लेना है। इसको हम लोग इस तरीके से थोड़ा प्रेस करेंगे। तो यहाँ पर मैं अपने सरफेस पर थोड़ा सा फ्लावर डस्ट कर रही हूँ। आप इसको ऑयल के साथ भी रोल कर सकते हो, लेकिन मैं इसको फ्लावर के साथ ही रोल करूँगी। थोड़ा सा हम लोग इस तरीके से प्रेस करते हुए इसको फैला लेंगे। उसके बाद मैं बेलन की हेल्प से इसको अच्छे तरीके से स्प्रेड कर लूँगी। एकदम पतला हमें इसको बनाना है, जितना पतला हो सके उतना पतला रखना। आपको इस चीज़ का ध्यान रखना कि आपकी पूरन पोली फटनी नहीं चाहिए कहीं से भी। तो हमारा पैन एकदम गर्म हो गया है। अब मैं थोड़ा सा इसमें घी इस तरीके से ब्रश कर लूँगी। हम पूरन पोली को एक साइड से अच्छे तरीके से पकने देंगे, उसके बाद हम इसको फ्लिप कर लेंगे दूसरे साइड पकने के लिए। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा मेल्टेड घी ब्रश कर रही हूँ एक साइड पर। अब इस तरीके से स्पून से इसको प्रेस करते हुए भी पका सकते हो, ताकि ये इवनली कुक हो दोनों साइड से। उसके बाद मैं इसको फ्लिप कर लूँगी और दूसरे साइड से भी अच्छे तरीके से पका लूँगी। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। तो यहाँ पर हमारी पूरन पोली एकदम रेडी है। अब मैं इसको पैन में से निकाल लेती हूँ। तो यहाँ पर हमारी पूरन पोली बनके एकदम तैयार है। मैं अंदर से इसको तोड़ के दिखाती हूँ आपको कि कितने अच्छे तरीके से बनी है। इसका मिक्सचर हर जगह स्प्रेड हुआ है, आप देख सकते हो। अगर आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है उसे क्लिक करके नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।